हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी बैंक में जनधन सेविंग्स अकाउंट्स है तो वो व्यक्ति उस जनधन सेविंग्स अकाउंट्स को कैसे एक बड़े सेविंग्स अकाउंट्स में यानी कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में कन्वर्ट कर सकता है, बदल सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो देखो, सबसे पहले ये चीज़ डिस्कस करने से पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि आखिर जनधन सेविंग्स अकाउंट्स होता क्या है। तो देखो, जनधन सेविंग्स अकाउंट्स हर एक बैंक में आपको देखने को मिलेगा। हर एक बैंक में जनधन सेविंग्स अकाउंट्स आप ओपन करवा सकते हैं। और जनधन सेविंग्स अकाउंट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई एक स्कीम है, एक योजना है, जिसके तहत एक आम पब्लिक को एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके दिया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और यहाँ पर आप लोगों से कोई भी चार्जेस और फीस नहीं लिया जाता है। ये अकाउंट टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हालांकि इस अकाउंट्स के काफ़ी सारे लिमिटेशंस होते हैं। अगर आप इस अकाउंट से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ज़्यादा करते हैं, यानी कि एक दिन में 2-4 हज़ार, 5 हज़ार कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज भी हो जाता है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि मैं रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में इस अकाउंट्स को कन्वर्ट करा लूँ। इसका दूसरा कारण ये भी है कि अगर आप इस अकाउंट्स में 2 लाख 4 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर देते हैं, भेज देते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में ये अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। इसके अलावा अगर फ्रीज नहीं होता है फिर भी आप इस बैलेंस को निकालने के लिए जाएंगे, जैसे कि आपके खाते में 2 लाख 4 लाख रुपए आ गया, अब आप उस अमाउंट को निकालने के लिए जा रहे हो ब्रांच में, तो ऐसे कंडीशंस में आप एक साथ में पूरा का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हो। आप एक बार में ओनली 10-20 हज़ार रुपए ही निकाल सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ओवरड्राफ्ट का भी फैसिलिटीज देखने को मिलता है, लेकिन 100% में से 10% ही सच्चाई है कि 10% लोगों के पास में ही ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज है। बाकी आप ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज इनेबल कराने के लिए जाते हो बैंक में तो लोग इनेबल नहीं करते हैं। काफ़ी सारी डिटेल्स आप लोगों से लेते हैं फिर भी इनेबल नहीं करते हैं। तो ये सच्चाई है, रियलिटी है। भले ही वेबसाइट पर ये लिखा हुआ है कि आप ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज़ बिना किसी परेशानी के इनेबल कर सकते हैं, लेकिन जब आप सच में इनेबल करने के लिए जाओगे तो इनेबल नहीं होगा, इनेबल करेंगे ही नहीं कर्मचारी। और दूसरी बात, ये जो जनधन सेविंग्स अकाउंट्स है ये ज़्यादातर करके CSC पॉइंट से ओपन किया जाता है। आप लोगों के गाँव में, आप लोगों के शहर में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर CSC पॉइंट्स होता है, जहाँ पर लोग 2-4 लोग बैठे होते हैं, वहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो ओपन करके दे दिया जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में वहाँ पर भी काफ़ी सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप ज़्यादा पैसे विड्रावल नहीं कर सकते हैं, ना ही तो आप ज़्यादा पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने सेविंग्स अकाउंट्स को रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में बदलूँ। अब रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में आप कैसे बदल सकते हैं, तो इसका देखो 3 कारण है बेसिकली। पहला कारण ये है कि अगर आपका जो अकाउंट है वो CSC पॉइंट्स के द्वारा ओपन किया गया है, तो इसका जो सही तरीका है वो ये है कि आप सीधे सीधे CSC पॉइंट्स पर जाएं और वहां पर ये कहें कि हमको अपना जो सेविंग्स अकाउंट्स है, जो जनधन सेविंग्स अकाउंट्स है, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में कन्वर्ट करना है। तो वहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको आप फिलअप करेंगे, उसके बाद में आपसे आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, पैन कार्ड मांगा जाएगा, इसके साथ साथ आपसे सिग्नेचर करवाया जाएगा। और सिग्नेचर करा करके आप जैसे ही सबमिट करेंगे और वो CSC पॉइंट्स वाला जैसे ही अपने ब्रांच में जहां से वो कनेक्टेड होता है उस ब्रांच में जैसे ही उस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करता है, वैसे ही आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप लोगों को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है और फिर उस अकाउंट्स पर लिमिटेशंस नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका पहचान है बैंक में तो आप सबसे पहले ये पता करो कि मैं जिस भी CSC सेंटर से अपना खाता खुलवा करके लाया हूँ वो CSC सेंटर किस ब्रांच से कनेक्टेड है। उस ब्रांच से अगर आपका पहचान है तो आप सीधे ब्रांच में जाओ, CSC सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं है। और आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके साथ साथ फोटो अपना लेकर के जाओ और वहाँ पर आपको एक फॉर्म भरने को मिलेगा। वो आप फॉर्म भर के जैसे ही सबमिट करेंगे 48 घंटे के अंदर अंदर आपका जो सेविंग्स अकाउंट्स है वो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बैंक से यानी कि CSC पॉइंट ना जा करके सीधे बैंक से अपना जनधन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हैं। तो वो उन लोगों के लिए सीधा वो लोग जाएं अपने ब्रांच में और वहां पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटोकॉपी, इसके साथ साथ वहां पर एक फॉर्म मिलेगा, कर्मचारी आपको फॉर्म दे देंगे, उनसे आप पूछेंगे तो फॉर्म दे देंगे, इसके साथ साथ आपको एक सिग्नेचर करना होगा, आपका फोटो भी लग सकता है, 3 फोटो भी लगेगा वहां पर, हो सकता है आप लोगों से 2 ही मांगे, लेकिन जहां पर मेरा अंदाज है, मैंने करवाया है, तो वहां पर 3 ही मांगते हैं बैंक में अक्सर करके, कोई भी काम होता है यानी कि सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करना हुआ तो वहां पर 3 ही फोटो लेते हैं, तो 3 फोटो यहां पर हो सकता है आपको देना पड़ जाए। तो इतना चीज आप ले जाकर के सबमिट करेंगे, उसके बाद में 48 घंटे के अंदर अंदर आपका जो सेविंग्स अकाउंट्स है वो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
और दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहता हूं कि यहां पर जिस भी लोगों का सीएससी पॉइंट्स के द्वारा ओपन किया गया है अकाउंट, और उन लोगों का जो अकाउंट है, जो जनधन सेविंग्स अकाउंट है, वो गवर्नमेंट बैंक में है, तो उन लोगों को काफी सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। यानी कि जब वो लोग जाते हैं अपना रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में कन्वर्ट कराने के लिए अपना जनधन सेविंग्स अकाउंट, तो सीएससी वाले बोलते हैं नहीं हो पाएगा, या फिर आप वहां पर जमा कर देंगे तो वो लोग जल्दी उस फॉर्म को भरेंगे ही नहीं, यानी कि आगे पहुंचाएंगे ही नहीं, और जब आगे पहुंचेगा नहीं तो आपका जो जनधन सेविंग्स अकाउंट्स है वो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आप उनको कुछ फोर्स भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत उनको बोल भी सकते हैं कि ये बहुत जरूरी है, आप जल्दी से जल्दी इस काम को करवाइए, और आप डे टू डे अपडेट लेते रहिए कि मेरा सेविंग्स अकाउंट्स हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी कि कन्वर्ट हुआ है, बदल गया है या फिर नहीं बदल गया है। इसके साथ साथ काफी सारे लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन होता है कि अगर मैंने अपना जनधन सेविंग्स अकाउंट्स रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में कन्वर्ट करा लिया तो क्या पासबुक, चेकबुक, एटीएम चेंज हो जाएगा, या फिर अकाउंट नंबर चेंज हो जाएगा, या फिर नहीं हो जाएगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबका पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी कि एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक सब कुछ वैसा ही रहेगा, अकाउंट नंबर भी चेंज नहीं होगा, वो भी सेम टू सेम रहेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका बस अकाउंट जो है वो अपग्रेड हो जाएगा, यानी कि दूसरे कैटेगरीज में अपग्रेड हो जाएगा, रेगुलर में अपग्रेड हो जाएगा, क्योंकि पहले जनधन सेविंग्स अकाउंट था तो रेगुलर में अपग्रेड हो जाएगा। तो यही था आज का वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।